सो फ्रेंड्स, फाइनली ऑल सेट एंड रेडी हूँ मैं भी अपनी एक नई राइड के लिए, जो कि है पठानकोट से जयपुर। एक बहुत ही अच्छी राइड होने वाली है। 4 to 5 days का हमारा राइड रहेगा ये। एंड मेरे साथ जा रहे हैं मिस्टर हर्षवर्धन जी, जो कि बेसिकली हैं पठानकोट से। तो वो निकल चुके हैं घर से एंड वेट कर रहे हैं मेरी पठानकोट चक्की पुल। तो चक्की पुल से आगे हम दोनों इकट्ठे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रे करना कि ये जो अपनी राइड है ना, ये सक्सेसफुल रहे, किसी भी तरह की अड़चन आए इसमें। तो गाइस, चलने से पहले एक बार अपनी नूर आँख कैसे दिख रही है इस साल सेटअप में आपको दिखा दूँ ज़रा। एंड गाइस, निकलते मेरे को क्या है ना कि 7 बजने को है, ऑलमोस्ट 7 बजने को हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम शाम तक जयपुर पहुंच जाएं। एंड ये जो मेरे नए ग्लव्स हैं, जो मैंने रिसेंटली अभी अपग्रेड किए हैं, थोड़े स्टिफी से हैं इस समय, इनको ढलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक 3-4 बार पहन ना लूँगा ना इनको, तो जो कम्फर्टेबल फील नहीं होंगे मेरे को। तो गाइज, चलो इसी होप के साथ कि आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो स्टार्ट करेंगे आज का राइड, जो कि है पठानकोट से जयपुर। तो कंटिन्यू करते हैं इस राइड को, स्टार्ट करते हैं इस राइड को। सो फ्रेंड्स, लेंगे प्रभु का नाम एंड निकलेंगे घर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के नाम से हो गया अपनी नई राइड शुरू, जो कि है एक लॉन्ग राइड। गाइस, इस लॉन्ग राइड में आप दोस्तों का, आप फैमिली मेंबर्स का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आशीर्वाद लाजिम है भाई, आशीर्वाद तो ज़रूर चाहिए ना। तो चलो गाइस, निकलते हैं, बढ़ते हैं आगे एंड मिलते हैं हर्षवर्धन जी को, जो वेट कर रहे हैं अपनी पठानकोट। तो फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस राइड को। गाइस, बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड मिलेंगे सीधे पठानकोट। फ्रेंड्स, दिल्ली रह गए यहाँ से 487 किलोमीटर, अम्बाला 287, जलंधर 112। हम वाया चंडीगढ़ जाएंगे जयपुर। हमारी जो कोशिश है ना, वो आज शाम तक जयपुर पहुँचने की है। एंड टाइम हो चुका है ठीक मेरे यहाँ पे 7:28। ओके, तो क्या है कि लगभग हमें 12 घंटे लग जाएंगे जयपुर पहुंचने के लिए यहाँ से। एंड अभी हर्षवर्धन भाई का भी फ़ोन आ गया कि मैं पहुंच गया हूँ, पुल के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे, चक्की पुल पठानकोट। तो चलो उनसे मिलते हैं, मीटअप के बाद सीधा हम चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे इस राइड को। ये हमने ज्वाइन कर दिया जे सीधा जलंधर रोड। तो वो खड़े हैं अपने हर्षवर्धन जी, वो बोलते पुल के नीचे, अच्छा 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 ये वाला पुल है, इसके नीचे बोलते थे। मैंने बोला शायद फ्लाईओवर के नीचे। हेलो डियर, कैसे हो? सो फ्रेंड्स, ये अपने हर्षवर्धन भाई हमारी वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो विंकी भैया पहुँच गया फाइनली। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा मिलके। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, ये अपने हर्षवर्धन भाई, ठीक है, आज हम इकट्ठे जा रहे हैं अपनी इस नई राइड की शुरुआत कर रहे हैं, मीन्स शायद आगे कंटिन्यू करेंगे, आई होप सो। ये अपने हर्षवर्धन भाई की बाइक, तो बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ बाइक को, HVS पठानिया ब्लॉक्स, या नाइस। तो चलो गाइस, निकलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी राइड हो रही है शुरू एंड रीडिंग है 40615। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं बोल रहा था कि मेरा पर्स रह गया घर पे, मैं यहाँ पे पहुंच गया, पता है? तेरा पर्स रह गया तेरा पर्स रह गया भाई, मैं अपना एक्शन कैम रख के भूल गया, टॉयलेट में गया, वहीं पे छोड़ दिया, बाद में ढूंढू फिरू। क्या है यार, बाकी जिस टाइम पे निकलना था उसी टाइम पे निकलना था। चलो चलते हैं आगे, चलो चलो आप। तो हर्ष भाई बता रहे हैं इनका पर्स घर पे रह गया था, तो यहाँ से मुड़ के वापस गए थे पर्स लेने के लिए। एंड मैंने इनको बताया फिर यार कि मेरा ना एक्शन कैम रखा गया था टॉयलेट में, तो मैं उसको 15-20 मिनट इधर ही ढूंढता रहा, ये कहाँ छोड़ दिया मैंने।
ठीक है, तो उसी के चलते हम लोग लेट हो गए थोड़े से, एंड इस समय घड़ी पे बज चुके हैं 7:30, मीन 7:35 हो रखे हैं। यहाँ से अपनी राइड हो गया स्टार्ट, वे टू जयपुर। या तो फ्रेंड्स, पठानकोट से निकलते जब हम इस रोड पे आते हैं ना, तो इसको डमटाल रोड बोला गया है, ठीक है, डमटाल रोड बोलते हैं इसको। एंड ये एक छोटा सा एरिया जो हिमाचल के अंडर आता है, मींस 5 से 7 किलोमीटर का जो एरिया आता ना, ये हिमाचल के अंडर आता है। तो जब भी कभी हम इधर से गुजरते हैं ना, तो साथ में ही रोमिंग का अलार्म बज जाता है, यू आर इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा लगता है यार, पठानकोट से निकलते ही पहाड़ छिड़ू। तो दोस्तों, ये आ गया अपनी माता रानी जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, हे माता रानी प्रभु, अपनी राइड सफल करना। गाइस, जैसे कि मैंने बताया आप दोस्तों को कि टायर डलवाया ना मैंने, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि टायर डलवाया नया, रिप्लेस किया इसको पुराने के साथ, तो क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है राइडिंग के दौरान। मीन जैसे मन में कहीं ना कहीं रहता है यार कि बाइक की स्लिप ना हो जाए, ठीक है, तो होता भी अक्सर ऐसा कई बार, एंड हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कंट्रोल नहीं भी होता। तो बेस्ट वे यही है, जैसे आपको लगे कि आपका कोई मीन्स बाइक का कोई भी इंजनिंग पार्ट हो या कोई मीन्स टायर वायर की बात हो, तो उसको झट से रिपेयर या रिप्लेस कर देना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप आ गया, एंड थोड़ा सा फ्यूल डलवा देते हैं, फुल कर लेते हैं अपने टैंक को। वैसे ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 लीटर पहले भी है पेट्रोल। चलो टॉप अप कर लेते हैं। फुल कर दो, फुल 400 तक कर दो, पूरा कितना आया, 400 तक कर दो। तो गाइस, टैंक फुल करवा लिया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं आगे को। पठानकोट से जो जयपुर का डिस्टेंस है वो टोटल है 716 किलोमीटर, एंड समय लगे उसको कवर करने के लिए 11 घंटे। तो हम बीच बीच में रुक के भी जाएंगे, मीन्स कहीं चाय पानी नाश्ता भी करेंगे, ठीक है ना। तो ओबियस है कि 13 से 14 घंटे की राइड होने वाली है जी हमारी आज की। फाइनली हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड हम रुके हैं स्टार वैष्णो ढाबा, जो कि जलंधर से थोड़ा सा पहले है, नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे 44। रोटी हम घर से लेके आए थे, ठीक है, पराठे वगैरह बनवा करके, एंड यहाँ पे आकर के चाय ऑर्डर करी है, एंड जस्ट अपना नाश्ता करने के बाद फिर करेंगे आगे की मूव, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा रास्ता तय करना है, काफ़ी डिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स, स्टार वैष्णो ढाबा को करेंगे बाय बाय, एंड हमने कर लिया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना, घर से परोंठे लेके आए थे, एंड यहाँ आके चाय ऑर्डर कर दी। हम भी ऑलमोस्ट 1 घंटा एंड 10 मिनट लेट हैं अपनी राइड पे,
गूगल मैप के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों इस डिस्टेंस को कवर करेंगे थोड़ा सा तेज चला करके। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब 150-200 किलोमीटर के बीच में कोई भी राइड नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे हम, एंड इस राइड को करेंगे कंटिन्यू अप टू 150 to 200 km। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जलंधर। सो फ्रेंड्स जलंधर से बाहर निकलते ही हमने लेफ्ट को टर्न किया एंड हमने ये रोड जॉइन कर लिया अपना चंडीगढ़ वाला। एंड यहाँ से देखो आप साइन बोर्ड से दिखा रहा है लेफ्ट को रह गया 37 किलोमीटर होशियारपुर, फगवाड़ा 5 किलोमीटर एंड रूपनगर 84 किलोमीटर। लंच के बाद हम निकल रहे हैं आगे एंड लंच किया था हमने शगुन ढाबा यहाँ पे अपने रूपनगर रोपड़ में। तो अब हम निकल गए चंडीगढ़ के लिए एंड चंडीगढ़ से फिर जाएंगे हम सीधे अम्बाला। तो अम्बाला होते हुए फिर हम निकलेंगे जयपुर के लिए। तो गाइज पेट पूजा हो गया है एंड अब अपना जितना भी टाइम है ना सारा राइड पर निकलने वाला है आई थिंक सो, कि कहीं ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा एंड ना ही रुकना है बिना किसी मतलब के, क्योंकि कुछ दिखाने लायक तो है नहीं रास्ते में कहीं भी, ठीक है ना। तो कोई ऐसा व्यू नहीं है जो पर्टिकुलर मैं वहाँ पे रुकूँ एंड दिखाऊँ आप दोस्तों को। तो पहले अपनी इस डेस्टिनेशन को अचीव करना है, जल्द से जल्द पहुँचना है एंड किसी भी हालत में आज पहुँचना है वहाँ पर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस राइड को एंड ये फर्स्ट टाइम हमने किसी रेड लाइट पे रोका है यहाँ अपनी बाइक को रूपनगर से निकलते ही, ढाबे से निकलते ही हमें रेड लाइट पड़ गई है यहाँ पे। गाइस दूर से तो ऐसे लगा था यार कि यहाँ पे बस कहीं जाम वाम तो नहीं लग गया, लेकिन जैसे ही पुल के पास आए तो ट्रैफिक चल पड़ी। हवेली यहाँ पे भी है भाई, बहुत जगह खुल चुकी है अब तो हवेली। अपने टाइम तो भाई जंगल में ही हुआ करती थी, ठीक है ना। तो गाइस चंडीगढ़ यहाँ से रह गया 26 किलोमीटर, अम्बाला रह गया 65, खरड़ 12 किलोमीटर रह गया। तो गाइस ये जो चंडीगढ़ वाला रोड है ना, जब से पकड़ो ना कसम से मज़ा आ रहा है राइड करने का, बाइक चलाने का मज़ा आ गया यार। तो बहुत ही अच्छा रोड एंड क्यों ना हो यार, चंडीगढ़ जाने वाला रोड ही होगा। दोस्तों हम बहुत लेट चल रहे हैं यार,
यार फोन गिर गया मेरा कहीं पे। फोन गिर गया मेरा। हाँ ओ गड्डी वाले ते नहीं तेनू फड़ान नहीं रहे किते? गड्डी वाले कहते बैग गिर गया तुहाडा। हैं हाँ फोन डिग गया उत्थे किते? फोन डिग गया मैं देख के आया। मैं देख के